तस्वीरें घरौंडा की हैं, जहां एक बार फिर त्योहारों के सीजन के चलते सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन में नजर आ रही है और पूरे जिले में नकली व मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर रही है। घरौंडा में भी सीएम फ्लाइंग ने एक अवैध रूप से चल रही मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की है और मौके से सैकड़ों लीटर दूध, खोया, घी और पनीर के सैंपल लिए हैं। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि उनके सभी प्रोडक्ट असली और सुरक्षित हैं। बर्फ फैक्ट्री में रखा गया मावा और दूध 4-5 दिन पहले का है। यहाँ पे मावा पनीर दूध निकालते हैं। कैसे, क्या कार्रवाई हो प्रशासन की तरफ से आज? प्रशासन देखो क्या करेगा, अभी आए हैं, देखते क्या करता है। हाँ। तो काफी मात्रा में दूध है, पनीर है, मावा है। वो ये तो डेली खड़ी है, अभी दूध आया है। हाँ। ये नहीं कोई बेईमान कर रहे हैं, दूध मंगवाते हैं बाहर से, तब सामान मंगाते हैं। तो ये जो है अंदर जो सामान है, माल पड़ा है आपका, कितने दिन पुराना होगा ये? वो जी ये स्टॉक होता है 5-7 दिन का, तो ये तो है नहीं, देखो जी सारा ताज़ा सौदा एकदम माँ निकाल के मिल जाता है जी। हाँ। 5-6 दिन का तो होता है। नहीं तो ये बर्फ़ की फैक्ट्री में क्यों रख रखा आपने? वो जी में खराब नहीं होता जी। हाँ। दिक्कत नहीं आती, खराब नहीं होता। तो कितने दिन पुराना है? बता दो रहे, 5-7 दिन का पुराना है जी। इतने गंदे हालात में रखा है, उसमें काई फूई फफूंदी लगी हुई है। उसमें फफूंदी नहीं लगती जी। उसमें फफूंदी, अगर ठंडे में फफूंदी मिलेगी जी, बर्फी चमकी उसको फफूंदी कहाँ से? नहीं आप देखो, आपने देखा नहीं है? मैंने देखा जी, फफूंदी नहीं है। चाहे रहता ना ऊपर सामान सामान उठाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है। तो अभी कितना होगा स्टॉक आपके पास? वो जी 160 किलो मावा जी और 7 क्विंटल दूध, 6 क्विंटल 7 क्विंटल। और पनीर कितना है? पनीर है जी 70 किलो, 80 किलो दिया जा सकते हैं। ये है तो ये आप कह रहे थे किसी और का भी रखा हुआ आपके यहाँ? नहीं नहीं, वो अपना ही है जी, वो जो लेगा निकालेगा। हाँ, किसी और का तो स्टॉक नहीं? नहीं नहीं। कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं आप? वो जो ग्राउंड में सप्लाई है, कहीं नहीं जाते। हाँ, हमारा इतना बड़ा काम नहीं है, हम सिर्फ ग्राउंड में सप्लाई करते हैं। तो फूड सेफ्टी के कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास? हाँ, लाइसेंस बनवा रखे हैं, लाइसेंस अभी अप्लाई कर रखे हैं। गौरव नारंग साहब जो सी है हमारे, अभी उनसे अभी है नहीं आपके पास? बर्फ फैक्ट्री का लाइसेंस आपके पास? वो बनवा रखे हैं, वो भी दोनों चीज इकट्ठी दे रखी है। अभी नया काम चालू किया है 3-4 महीने के अभी कुछ नहीं है। वहीं फूड सेफ्टी अधिकारी संदीप कादियान ने बताया कि अभी तक फैक्ट्री के लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए गए, नमूनों की जांच रिपोर्ट के बाद मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैरी पर रेड करिए करोना में, और ये आप दूध, दही और खोया, घी, पनीर ये सब बना रहे हैं, तो हमने अपनी कार्रवाई करते हुए सैंपल ले लिए हैं। सैंपल हम चंडीगढ़ लैब में भेजेंगे जी, और जो भी रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के अनुसार हम कार्रवाई। तो कितनी मात्रा है सर अभी तक उस सामने आई बात? हाँ, मात्रा है इनमें खोया 250 kg के आसपास है और 500 kg के करीब इनके पास घी है इस टाइम, 80 किलो पनीर है और 100 किलो के करीब इनके पास दही। दूध कितना बरामद हुआ सर? दूध हमारे पास है इनके पास 4200 क्विंटल बरामद। 4200 किलो। तो कोई फूड सेफ्टी का या कोई लाइसेंस वगैरह है फैक्ट्री मालिक? ये लाइसेंस अभी मंगवा रखा है, जैसे मेरे को दिखाएगा उसके हिसाब से मैं निर्णय। अभी मौजूद है? अभी इन्होंने मेरे को नहीं दिखाया। तो जिस तरह से तैयार हो रहा था, क्या लगता है कि ये जो यहाँ स्टोर किया है, जिस तरह बना रहे हैं, क्या हेल्थ के लिए सुरक्षित है ये? ऐसा है, इन्होंने नया यूनिट खोला है, ठीक है, और अभी हमने इसकी फर्स्ट टाइम सैंपलिंग करी है। सैंपलिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पे हमारा डिसीजन होगा। क्वालिटी का डिसीजन जो है लैब के डिसीजन के अनुसार। सर मैं जो जहाँ गोदाम है जहाँ पे स्टोर किया गया है, वहाँ की जो कंडीशन की बात? हाइजीन पुअर कंडीशन है, पुअर कंडीशन है इनकी हाइजीन की। तभी हम सैंपलिंग लेके और उसकी क्वालिटी चेक करा के क्वालिटी के अनुसार ले लेंगे। सीएम फ्लाइंग टीम ने हाईवे पर स्थित सिंगला डेयरी में छापेमारी की है, जहां इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में खोया, पनीर व घी बनाया जा रहा था और दूध से बने उत्पादों को बेहद असुरक्षित कंडीशन में स्टोर किया गया था। रेड में खुलासा हुआ कि बर्फ फैक्ट्री की आड़ में जिन बर्फ खानों में मावा व दूध स्टॉक किया गया था, उनमें गंदगी और फफूंदी लगी हुई मिली। फिलहाल फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने फैक्ट्री से सैंपल लिए और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल के घरौंडा से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।